ये वाला तो देखे ना, ओ माय कितना गॉड, क्यूट है। सो क्यूट, बहुत प्यारे। और टोपी भी है, टोपी। हाँ, छोटी सी। अकेले अकेले शॉपिंग करने चली गई, हमसे पूछा भी नहीं। तो अकेले अकेले कैसे पूछती? आप चली गई, मैं भी चली गई। उमर ने कहा चलते हैं, मैंने कहा ठीक है। पता है सारी चीजें उमर ने अपनी पसंद से ली। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप गई थी ना दावत पे अपनी भाभी के साथ, दावत कैसी रही? आप अपनी किसी कजन के घर गई थी ना? जी भाभी, मैं वहाँ जाती हूँ ना उनके घर, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वहीं की हूँ। इसका मतलब तो समझना पड़ेगा। आई नो, समझाना ही मुश्किल है। चलें, फिर कभी समझाऊंगी। अच्छा ये बातें सारी छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि इनमें से आपकी पसंद क्या है? जो उनकी पसंद वो मेरी पसंद, और सब कुछ है भी तो इतना खूबसूरत ना। मैं क्या करूं, इतनी प्यारी चीज है। आप भी तो इतनी प्यारी हैं। अच्छा मैं आपको और चीजें दिखाती हूँ ना। ये तो देखो, ये कहाँ गया, ये रहा। ओह माय गॉड, बहुत क्यूट। और मैं ये भी दिखाती हूँ, ये इतना सोना है, ये खुलता कैसे है? उमर ने मुझे सिखाया भी था। जैनी, मैं सोच रही हूँ कि शहर के बेबी के लिए कुछ शॉपिंग कर ले जाके। दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ भाई, उमर का बेटा है, खुशी तो मुझे भी है ना। हाँ बेटो। भैया तो बहुत एक्साइटेड हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी इतनी शॉपिंग कर ली है। प्रॉब्ली वो सोच रहे होंगे हमें कोई बेबी का ख्याल नहीं है, तो दैट्स अ गुड आइडिया। इसीलिए इतना वक्त गुजारा जा रहा है भाभी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए भाभी, बैठ जाए। भाभी कह रही है बेबी की शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन वो तो सब लिए है। किसके लिए लाए हो, बॉय और गर्ल? हैं जी, हैं जी। बेबी या बाबा? वो तो मालूम नहीं जी, और वो कह रहे थे कि मालूम करने की जरूरत भी नहीं है, अल्लाह जो भी देगा वो तो उससे बहुत प्यार करेंगे ना। अब आप देखो ना, फिलजा से भी कितनी मोहब्बत करते हैं। फिलजा मेरी बेटी है। हाँ, मेरा मतलब ये है कि वो तो बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है। जैनी मैं कुछ देर में तैयार होने चली जाऊंगी, तुम भी चली जाओ। चलते हैं, बस निकलते हैं जल्दी। भाभी आप रूम में जाएं, मैं नूरी से कह के जूस भिजवाती हूँ। ठीक है, चलें।